फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू यूनिवर्सिटी अकेडमी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या था कि जब कंपाइलर ब्रेक स्टेटमेंट रीड करता है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल लूप के बाहर फेंक देता है, लेकिन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। आइए देखिए कैसे। दो कोड हम लिखते हैं, एक वाइल लूप के थ्रू और एक फॉर लूप के थ्रू। देखिए जरा, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि यहाँ लिखा है मैंने वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। यानी क्या, हमारी इंटेंशन है कि हेलो 5 टाइम्स प्रिंट हो, तो मैंने लूप लगाया आई लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए इस कोड को हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, 1 नहीं मैंने इनिशियलाइज करी। सपोज करो मैं 1 इनिशियलाइज कर देता हूँ, आई को मैं किससे इनिशियलाइज कर देता हूँ, 1 से, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आएगा और पहली स्टेटमेंट रीड करेगा प्रिंट एफ हेलो, यानी क्या, हेलो को रीड करते ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। एंड ड्यू टू दिस ब्लैक स्लैश एन, ड्यू टू दिस बैक स्लैश एन, कर्सर मूव टू नेक्स्ट लाइन। अब देखिए जरा यहाँ क्या लिखा है हमने, इफ आई डबल इक्वल टू 3। इस टाइम ये देखिए कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है सॉरी। क्यों, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है 1 और यहां पर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं 3 से, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, इसलिए कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है, i प्लस प्लस यानी कि इसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2, देन फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस जाएगा इसी कंडीशन पे और i की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल लूप की बॉडी के अंदर आया। क्लियर है, अब अंदर कंट्रोल आया तो फिर से क्या प्रिंट कर दिया उसने, फिर से हेलो प्रिंट कर दिया एंड कर्सर अगेन मूव टू नेक्स्ट लाइन। अब देखिए जरा, अब चेक करते हैं क्या इस बार ये कंडीशन ट्रू है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार भी कंडीशन ये फॉल्स है, क्योंकि आई की वैल्यू ऊपर से अपडेट होकर 2 आई है, तो 2 डबल इक्वल टू 3 कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए कॉन्टिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आई की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 3। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा इसी कंडीशन पर वापस और आई की वैल्यू यहां पर अपडेट होकर हो गई 3। अब देखिए जरा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आएगा और फिर से क्या प्रिंट कर देगा, फिर से हेलो प्रिंट कर देगा एंड कर्सर मूव टू नेक्स्ट लाइन। अब ये देखिए जरा, आई की वैल्यू ऊपर से अपडेट होकर कितनी आई, आई की वैल्यू ऊपर से अपडेट होकर 3 आई, 3 डबल इक्वल टू 3 कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है, तो कंपाइलर जब कंटिन्यू स्टेटमेंट रीड करेगा तो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस ट्रांसफर कर देगा जहां लिखी थी कंडीशन। यानी क्या कि जब कंटिन्यू रीड करेगा तो फ्लो ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा इसी कंडीशन पे वापस, और जब कंट्रोल इसी कंडीशन पे आ गया तो आई की वैल्यू क्या है, 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन अगेन ट्रू। अगेन ट्रू होने के बाद क्या होगा, कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा, हेलो को फिर से प्रिंट करेगा। यानी क्या होगा कि एक्चुअल में क्या है कि जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि 3 डबल इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जिसकी वजह से आई प्लस प्लस पर कंट्रोल वापस कभी वापस आ ही नहीं पाएगा। क्यों, क्यों नहीं आ पाएगा आई प्लस प्लस पर कंट्रोल, क्योंकि भाई आई की वैल्यू जब 3 हो जा रही है तो कंट्रोल वापस कंडीशन में जा रहा है, और 3 लेस देन इक्वल टू 5 के बाद कंट्रोल नीचे आ रहा है, हेलो प्रिंट कर रहा है, और यहां पर वैल्यू आई की क्या है, अभी भी 3। यानी कि आई प्लस प्लस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और 3 लेस देन इक्वल टू 5 ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी, तो इसलिए ये जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम चलेगा। कितनी बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स। क्लियर है, अब देखते हैं कंटिन्यू का यूज करते हैं अगर हम फॉर लूप के साथ तो क्या होगा। देखिए जरा, हम हेलो को 5 टाइम्स प्रिंट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। देखिए क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा फॉर लूप के अंदर और क्या प्रिंट करा, प्रिंट कर दिया हेलो एंड कर्सर मूव टू नेक्स्ट लाइन। अब देखिए जरा,
क्या i की वैल्यू 3 के बराबर है? नहीं, क्योंकि i की वैल्यू अभी कितनी है? 1। तो कंडीशन हो गई फॉल्स, इसलिए कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर है? अब देखिए i की 1 वैल्यू के लिए इस फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, तो इसके बाद कंट्रोल जाएगा i++ पे, यानी कि अपडेशन स्टेप पे, और i की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 2। अपडेट स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल जाएगा इस कंडीशन पे और i की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 2। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन अगेन ट्रू, अगेन ट्रू, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप के अंदर फिर से आया और फिर से क्या प्रिंट कर दिया? फिर से हेलो प्रिंट कर दिया एंड कर्सर मूव टू नेक्स्ट लाइन। अब i की वैल्यू ऊपर से अपडेट होकर कितनी आई है? 2। तो 2 डबल इक्वल टू 3। कंडीशन इज स्टिल फॉल्स, यानी कि कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कंट्रोल जाएगा i++ पे, तो i की वैल्यू अपग्रेड होकर हो गई 3। ओके, उसके बाद फिर कंडीशन पे जाएगा तो i की वैल्यू हो गई 3। 3 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। कंट्रोल आएगा फिर से फॉर लूप के अंदर और फिर से हेलो प्रिंट करेगा एंड कर्सर मूव टू नेक्स्ट लाइन। लेकिन अब देखिए i की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई? 3। तो 3 डबल इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो कंपाइलर ने कंटिन्यू स्टेटमेंट रीड करी, लेकिन कंटिन्यू रीड करने के बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल वो ट्रांसफर कर देगा i++ पे। यानी क्या हुआ? देखिए जरा, जब हमने व्हाइल लूप लगाया था तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जब कंपाइलर ने रीड करी थी तो फ्लो ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर किया था इस कंडीशन पे, i लेस देन इक्वल टू 5। लेकिन फॉर लूप के केस में जब कंटिन्यू स्टेटमेंट कंपाइलर ने रीड करी तो फ्लो ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर करा i++ पे। ऐसा क्यों करा? क्योंकि कंटिन्यू का मतलब यह होता है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल लूप के उस पोर्शन पे जाएगा जो पोर्शन आगे आने वाला स्टेप है। आई बसन में भाई एक बात देखिए जरा, जब 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुई थी तो फ्लो ऑफ कंट्रोल कहां आया था? फॉर लूप की बॉडी में। और आपको पता है कि फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है अपडेट स्टेटमेंट, यानी कि i++। तो आगे आने वाला स्टेप क्या है? i++। तो कंपाइलर जब कंटिन्यू रीड करेगा तो फ्लो ऑफ कंट्रोल i++ पे ही ट्रांसफर करेगा, यानी कि लूप के उस पोर्शन पे जो आने वाला स्टेप है। यानी कि क्या हुआ? i की वैल्यू अपडेट होकर हो गई यहां पर 4, और फिर उसके बाद जब कंडीशन चेक हुई तो 4 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन अगेन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आएगा और हेलो प्रिंट हो जाएगा 4 टाइम एंड कर्सर मूव टू नेक्स्ट लाइन। ओके, अब देखिए जरा i की वैल्यू यहां पर कितनी आई? 4। 4 डबल इक्वल टू 3। कंडीशन इज स्टिल फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा किस पे? i++ पे। तो i की वैल्यू यहां पर अपडेट होकर हो गई 5। देन उसके बाद इस कंडीशन पे आया तो 5 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन ट्रू हो गई। फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप के अंदर आया और क्या प्रिंट कर दिया? हेलो प्रिंट कर दिया 5th टाइम एंड कर्सर मूव टू नेक्स्ट लाइन। i की वैल्यू यहां पर अपडेट होकर हो गई 5। 5 डबल इक्वल टू 3। कंडीशन फॉल्स, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद कंट्रोल जाएगा i++ पे, i की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 6, और देन इसके बाद कंट्रोल जाएगा इस कंडीशन पे 6 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन फॉल्स और फ्लो ऑफ कंट्रोल आ जाएगा फॉर लूप के बाहर। यानी कि हेलो जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट होगा अगर आप यूज करोगे फॉर लूप, ठीक है? लेकिन सेम अगर आपको यही कोड यूज करना होता व्हाइल लूप के केस में, यानी कि व्हाइल लूप में आपको हेलो 5 टाइम प्रिंट करना होता, तो आप साफ साफ देख सकते थे कि व्हाइल लूप के केस में हेलो प्रिंट हो रहा था इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है? तो आपको ये कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आया होगा, ठीक है? अब इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अभी के लिए थैंक यू।